ब्यावर की इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यावर के एक कोरोना पॉजिटिव ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। जी हां, एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। परिवार के अन्य 4 सदस्य भी संक्रमित चल रहे हैं। आपको बता दें कि ब्यावर में हाल ही में 53 वर्षीय अधेड़ को 30 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो कि लाखिला हाल गड्डी तोरिया निवासी पॉजिटिव निकला था। बताया गया कि जो मृतक है वो चौकीदारी का काम करता था और 27 मई के आसपास उसे तेज बुखार होने के चलते पहले ब्यावर में दिखाया गया, उसके बाद में अजमेर निजी चिकित्सालय में दिखाया गया परिजनों के द्वारा। वहां पर शंका होने के चलते निजी चिकित्सालय द्वारा जेएलएन अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां पर कोरोना सैंपल लेने के बाद में पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों की कोरोना जांच करने के बाद में सामने आया कि 1 जून को जो साथ में उसे लेकर गए थे उसकी पत्नी और बेटे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और उसके बाद में 3 जून को उनके दामाद और बेटी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में मृतक कोरोना पॉजिटिव के 4 सदस्य परिवार के जो है वो कोरोना से ग्रसित चल रहे हैं, और ब्यावर के कोरोना पॉजिटिव यानी मृतक 53 वर्षीय अधेड़ ने, जो कि 30 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, बुखार से ग्रसित था और वेंटिलेटर पर अपना इलाज उसका चल रहा था, तो ऐसे में उसने दम तोड़ दिया है। तो ब्यावर की इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यावर के एक कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया है। ब्यावर में पहली कोरोना के मामले में पहली मौत यहां पर सामने आई है। वहीं परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित चल रहे हैं। तो ब्यावर में सावधान होने की आवश्यकता है। आपकी लापरवाही आपके लिए बड़ा सबक बन सकती है। तो आप सभी से प्रशासन के नियमों की गाइडलाइन के तहत अपील की जाती है कि आप नियमों की पालना करें और लापरवाही नहीं बरतकर, सावधानी बरतकर कोरोना से जंग के खिलाफ अपना योगदान दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यावर के कोरोना पॉजिटिव ने तोड़ा दम, परिवार के 4 सदस्य भी चल रहे संक्रमित।